मेरे पिता ने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, तो मैं आज किसान की बेटी के सामने आप लोगों के सामने मंच पर हूँ। ये मेरी लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपको बता दूं, जब जब हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है तो महिलाओं का भी पूरा प्रतिनिधित्व रहा है और उन्हें कदम से कदम मिलाकर साथ दिया है। इसके लिए उदाहरण है रानी अवंतीबाई लोधी जी, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण निछावर कर दिए इतनी छोटी सी उम्र में। इसका उदाहरण है सावित्रीबाई फुले जी, जो एक पूरे देश में शिक्षा की नजर लगाते चली गई, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार दिलाकर चली गई। फूले देवी जी, झलकारी बाई, फातिमा से हम इतना कैसे भूल सकते हैं। इसलिए आप अपनी बेटी को आगे लाइए, महिलाओं को आगे लाइए, वो भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगी, क्योंकि वो एक घर संभाल सकती है और आप बाहर का देखते हैं, लेकिन वो दोनों चीज देखती है। इसलिए महिलाएं किसी से कम नहीं है, उनको आप ऐसी महान शक्तियों का परिणाम व्यक्त मत जाने दीजिए। अपनी बेटी को भी आप आगे लाइए, उसको बढ़ाइए। आज यहाँ पर महिलाएं आई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन अगली बार से बोलूँ कि किस क्षेत्र में कार्यक्रम होता है और अगर अपनी माँ बहन बेटी को लाए तो वो भी जानेगी कि हाँ हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है और हम कुछ उनके लिए करना चाहते हैं। मैं महिलाओं के लिए और सभी के लिए पंक्ति बोलना चाहती हूँ, कुछ दीद जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, उसको लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लेकिन बेटी को आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। और शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है और कर्म सबसे बड़ा अधिकार है, तो हमारे जो युवा छात्र यहाँ पर बैठे हैं, अब शिक्षा लें और हर क्षेत्र में अपना नाम बहुत बहुत धन्यवाद।